क्या जंगल में सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अब मैं कैसे कहूँ महाराज? ये क्या है? महाराज, मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाला था। अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ, बस यही भेजिए, जल्दी जल्दी करिए, यही पर नदी के पास, जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए, जल्दी। आखिर चल क्या रहा है? शेर राजा, जंगल में नई बीमारी महामारी की तरह फैल रही है। जानवर बहुत जोर से पहले छींकते हैं और फिर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इसकी दवाई है, अगर इसे सब खा लें तो फौरन सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब कर कौन रहा है? ये मेरे राज में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही है? इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए वही सही आदमी है। हाँ, वो है सुपर पुलिस बंदर मामा। पुलिस मामा, मामा मामा कुप्पी मामा। पुलिस मामा, आपकी तुरंत जरूरत है, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और आपके आने पर ही वो ठीक होगी, जल्दी आइए पुलिस मामा। कहीं ना कहीं कुछ तो अजीब है, कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। किसी भी बीमारी की इतनी जल्दी दवा कैसे बन सकती है? सही कहा, मुझे भी ये समझ नहीं आया। पर ये दवा केवल एक चमत्कार नहीं पर एक गुड लक भी है। थोड़ी महंगी जरूर है पर बीमारी पर तुरंत ही असर कर देती है। हमारी लकड़बग्गी दीदी ने ही इसका फॉर्मूला बनाया है। क्या आप जानते हैं कि हमारी लोमड़ी जनरल ने ही हमें उनसे मिलवाया था? मिस्टर फॉक्स पर शक करके कुछ नहीं होगा। अगर कुछ जानते हो तो साफ साफ बताओ। मिस्टर फॉक्स, क्या इन सब के बारे में आपको कुछ भी पता है? एक मिनट, मैं बताता हूँ। मिस्टर फॉक्स, क्या तुम्हें ये पाउडर दिख रहा है? बस ये पाउडर हवा में छिड़कते ही काम बन जाएगा। अच्छी, जो भी इसको सूंघेगा जोर से छींकने के बाद उसका ये हाल होगा। जमीन पर बेहोश होकर गिर जाएगा और ये दवा देने पर वो फिर से तुरंत ठीक हो जाएगा। आखिर ये खेल क्या है? सही कहा तुमने, यही तो खेल है। जो तोहफा मैं उन्हें दूंगा वो ये है, उसके बाद काम तमाम। चलो ये खेल खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। मुझे माफ कर दो शेर राजा, मुझे माफ कर दो। पुलिस मामा, आप जाकर लकड़बग्गे को पकड़िए, इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। मामा,
एक बार फिर से आपने हमारे बच्चों और इस जंगल को बचा लिया और अपनी बहादुरी का एक और नमूना पेश किया। हम आपके आभारी हैं। तुम्हारी वजह से पकड़ा गया, तुम्हारी वजह से पकड़ा गया। हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दो। छिड़क रहे हो, रुको।